तो ग्यारहवीं क्लास के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दे जो आपका एकदम रियल पेपर है बिल्कुल आपका यहाँ पर मेरे पास आ चुका है वो बारह सितम्बर का एकदम रियल पेपर है बिल्कुल साथियों बिना देरी के इसके सोल्यूशन पे चलते हैं कुछ इस प्रकार का आपका पेपर सत्तर नंबर का पूर्णांक रहने वाला है तीन घंटा आपके पास समय रहेंगे कुल आपको उन्नीस प्रश्न रहने वाले ये आपको शुरू में आपको उस बात बताई जाती है कि क्या क्या अनिवार्य प्रश्नों को हल करना है क्लियर है ये आपको प्रश्न दिए हैं तो देख लीजिए मैंने टिक मार्क लगा दिए आपको डाक्ट पढ़ूंगा नहीं डाक्ट में आपका आंसर बताते जाऊँगा कितना है जीरो दशमलव चार आपको दूसरे में आ जाएगा जल तीसरे में आ जाएगा निम्नलिखित ऊर्जा का मात्रक जूल ऊर्जा का गैर परंपरागत स्त्रोत है यांत्रिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा मूल एस आई मात्रक नहीं है तो न्यूटन छठे में आ जाएगा सी वी रमन कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्याशित होता है तो आ जाएगा इस बात क्लियर दोस्तों ये मैंने आपको कौन सा बताया सही विकल्प रिक्त स्थान में देख लीजिए फटाफट क्योंकि जो अगले जो क्लास के उनके लिए भी पेमेंट प्रोवाइड कराने हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि तो जो नब्बी दसवीं और बारहवीं उनके भी लिए यहाँ पर मेरे को पेपर प्रोवाइड कराना है क्योंकि जिस प्रकार आपका पेपर आया उसी प्रकार का उनका भी पेपर आया हुआ है तो उनको कब कराऊंगा आपको सारा आंसर दूंगा आराम आराम से तो इसलिए आप जल्दी जल्दी मैंने आंसर लिख लिए आपका आप करते चलिएगा आठ आ जाएगा अच्छे आ जाएगा एम एल स्क्वायर आ जाएगा तामे उस्मा का कुचालक होता है गुरुत्वाकर्षण बल की पारस होती है तो आपकी अनंत होती है न्यूटन की खोज बचपन से पढ़ता है जेम्स चैडविक ने की थी और जो हमारे डी ए पी जी अब्दुल कलाम है वो कौन से हैं मिसाइल मैन के नाम से बचपन से जाने जाते हैं हमें पढ़ता है नंबर वन पर आपका आ जाएगा कौन सा चार दशमलव झूल या आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लेना क्लियर दोस्तों या आपके हुई क्या जोड़ी आगे प्रश्न में देखेंगे कैसा प्रश्न रहने वाला है चौथा प्रश्न हमारा ये देख सकते हैं साथियों यह है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये आपको सामने रही है कि बुलबुले के अंदर अधिक की ताप कितना होता है ये देख सकते हैं किस धातु की कि उष्मा चालकता सर्वाधिक होती है तो चार गुनी यंग प्रत्याशता का तक होता है न्यूटन मीटर गुणाक ऊर्जा मेरे को नहीं मिला है छठ माया का एम्पियर और सातवें में एल्यूमिनियर यहाँ से आपके दो दो नंबर के प्रश्न चालू हो जाएंगे तो फटाफट से यहाँ से दो दो जो नंबर है उनके पास आप इसके ले लीजिए पांचवा संसाचक बल से आप क्या समझते हैं बोलने की प्रेम कथन लिखिए ऊंचा संरक्षण का नियम ताप की स्थायी अवस्था से क्या तात्पर्य है क्लियर है यहाँ से आपका नववाधिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत छ की परिभाषा आकृति के चार मूल बल कौन कौन से हैं सटल आवृत्त गति में आयाम से क्या तात्पर्य है दो सदिशों के बीच गुणन के दो गुणज को उदाहरण आपका तेरवा है सरल आवर्त गति करते कन उसका क्लियर दोस्तों ये देख सकते आपका यहाँ पर कौन सा इस गतिमान वस्तु संवेग या आपका पंद्रह किसी पिंड की गणन गति ऊर्जा का परिभाषा लेकर उसके व्यंजक ज्ञात कीजिए सोलवा है किसी तार को खींचने के लिए और सत्रुआ आपके पास है प्रत्यक्ष गति से आप क्या तात्पर्य है क्लियर दोस्तों ये देख सकते हैं ये आपका सत्रुआ और आपका तार यहाँ पर है उन्नीसवा केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए और ठोसों का आयतन प्रसंग गुणांक रैखिक प्रसंग प्रसार गुणांक के तीन गुना होता है या मेयर के सूत्र से आप कर सकते हो क्लियर दोस्तों ये रहा आपका कौन सा ग्यारहवीं क्लास का एकदम जो रियल पेपर आया था वो मैंने बता दिया अच्छे से मेहनत करनी है और फिर बोल रहा हूँ आपके जो दोस्त हैं उन्हें बता दीजिएगा और हर बार की तरह जो अगला पेपर आएगा वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दू दूंग, करा दूँगा साथियों तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जब तक के लिए अच्छे से बनाए रहिएगा तो अपने नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं जो भी दोस्त या भाई है उन्हें संपर्क करें कि यहाँ पर रियल पेपर प्राप्त करा दिए जाते हैं